इजियर प्रोसेस ये भी है कि आप जाके ले सकते हो, वो भी कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसे कि आपने कुछ व्लॉग्स पहले देखा होगा कि मैंने एक नई साइकिल ली थी डिकैथलॉन से, अभी उस साइकिल के बारे में मैंने आगे फिर मैंने अपने व्लॉग्स में नहीं बताया, कुछ और प्लान्स बने थे जिसकी वजह से मैं वो व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो आज हम लोग उस साइकिल के बारे में सब डिटेल्ड रिव्यू बनाएंगे, साइकिल कैसी है, कितने में ली, क्या एक्सेसरीज ली, आप कैसे ले सकते हो, अच्छी है कि नहीं, वो सब बताऊंगा मैं। और कुछ एक्सेसरीज भी थी जो कि डिलीवर नहीं हुई थी, तो उसी वजह से फिर व्लॉग थोड़ा डिले हो गया। भुवनेश्वर में थोड़े स्ट्राइक्स चल रहे हैं अभी हेवी व्हीकल्स के, जिसकी वजह से बाहर से प्रोडक्ट्स नहीं आ पा रहे, उसी वजह से डिलीवरी डिलेज हो रही है हर जगह। तो आप अगर भुवनेश्वर से हो तो आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, बट नो वरीज, अभी सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं तो सब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको जो जो मैंने लिया है। तो अभी बाहर चलते हैं, आपको पहले साइकिल दिखाता हूँ और साइकिल के बारे में और बातें करते हैं। सो दिस इज़ द रॉक राइडर ST 100, जो आपको फुल एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। सो मैंने ये साइकिल एक्सेल में ली क्योंकि मैं 6 फुट का हूँ, उसी वजह से हाइट के अकॉर्डिंग आपको अपना साइकिल का साइज़ चूज़ करना पड़ता है, और ये चार्ट आपको हेल्प करेगा अपने हाइट के हिसाब से अपने साइकिल का साइज़ चूज़ करने में। तो टायर्स के बारे में बात करें तो आपको हार्टेक्स के टायर्स मिल जाते हैं, विच आर ऑफ 28 spoke rims, और यहाँ से आप साइकिल डिटैच भी कर सकते हो फ्रंट व्हील। उसके अलावा व्हील साइज़ के बारे में बात करें तो 27.5 inches के हैं। तो सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है 80 mm के, विच आर ऑफ संतोर। तो आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस साइकिल में डिस्क ब्रेक्स होंगे, बट नहीं, इस साइकिल में आगे के और पीछे की तरफ दोनों तरफ वी ब्रेक्स हैं, एंड ऑल्सो डिस्क ब्रेक्स आर हार्ड टू मेंटेन, तो वी ब्रेक से ही काम चलाते हैं। तो गियर सेटअप के बारे में बात करें तो इट इज़ अ 21-speed गियर सेटअप शिमानो के, जो कि पीछे की तरफ आपको मिल जाते हैं 7 gears और सामने की तरफ मिलते हैं 3, विच इन टोटल मेक्स 21 speed। तो हैंडल बार के राइट साइड में आपको मिल जाते हैं पीछे के गियर्स इंडिकेटर्स, उसके अलावा आपको गियर ट्रिगर्स भी मिलते हैं जिससे कि आप शिफ्ट अप या फिर शिफ्ट डाउन कर सकते हो। और लेफ्ट के साइड में भी सिमिलर आपको सामने के गियर ट्रिगर्स और गियर इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे एक की मिलता है जिससे कि आप सीट हाइट ऊपर या नीचे भी कर सकते हो आपके हाइट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको फ्रंट में भी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और पीछे की तरफ सीट के नीचे भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हेलमेट ज़रूर पहनना। तो ये तो बातें होगी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, अभी बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में। तो साइकिल के साथ आपको एज एन एक्सेसरी मिलता है बस ये बैक मड गार्ड और ये सामने का मड गार्ड, ये दोनों पीसेस, और उसके अलावा सिर्फ ये स्टैंड, बस इतना ही मिलता है आपको एज एक्सेसरीज। एडिशनल एक्सेसरीज अगर आपको चाहिए तो आप ये सीट कवर ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया है, क्योंकि सीट में कुशनिंग ज़्यादा अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से मैंने इसको लिया। उसके अलावा ये बॉटल होल्डर और ये बॉटल, ये दोनों भी एज एक्सेसरीज ही आते हैं, एंड ये बेल भी लिया मैंने। ओवरऑल साइकिल बहुत ही अच्छी है, फ्रेम और जो भी जॉइंट्स है उसमें आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलता है, तो आप लोग ज़रूर सोच सकते हो इस साइकिल को लेने के बारे में। ओके गाइस, तो अभी बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि साइकिल को एक्चुअल में लेके कैसे आना है घर, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द सिटीज़ में जो डिकैथलॉन होता है वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में होता है, वहाँ से फिर साइकिल को लेके आने में बहुत दिक्कत होती है। आई नो, मेरा भी वही टेंशन था। बट आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है कि आप डिलीवरी ले सकते हो जाके, या फिर आपको होम डिलीवरी होता है। तो होम डिलीवरी में भी दिक्कत होती है क्योंकि जो साइकिल होती है वो पूरी डिसमेंटल होके आती है, तो आपको फिर उसको घर में आके उसको लगाना पड़ेगा सारे पार्ट्स, जो कि एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। सही बात बोले हैं भैया। ईजियर प्रोसेस ये भी है कि आप जाके ले सकते हो, वो भी कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रंट व्हील जो होता है वो ओपन हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया,
तो फ्रंट व्हील आप ओपन कीजिए, उसको रखिए, फिर जो सीट है उसको भी ओपन कीजिए क्योंकि वो भी डिटैचेबल है, उसको भी ओपन करके रख दीजिए और साइकिल को बैक सीट में वो पूरी आ जाती है, थोड़ा घुमा फिरा के आपको उसको रखना होगा। एक चीज़ माइंड में रखिए कि अगर आप डिलीवरी लेने जाते हो स्टोर से, डिकैथलॉन स्टोर से, तो आप दो जन ही जाओ, बैक सीट पूरा खाली रखो सो दैट आप साइकिल को वापस फिर घर लेके आ सकते हो। घर आओ, फ्रंट व्हील को लगाओ, ब्रेक्स को ऐड करो और आप साइकिल चला सकते हो। तो गाइस जो जो एक्सेसरीज साइकिल में लगे हुए थे वो तो मैंने सब आपको दिखा दिया है और एडिशनल कौन से मैंने लिए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यार मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो लोग साइकिल के साथ हेलमेट पहनना प्रेफर नहीं करते। अगर आप साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या जो भी चलाते हो, आपको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, बट ज़्यादातर लोग नहीं पहनते। अगर हेलमेट के बारे में मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो डीकैथलॉन में जो जो हेलमेट्स थे एज एक्सेसरीज वो मुझे इतने खास नहीं लगे। चीप हेलमेट्स थे 1000 रुपये के अंडर, वो मुझे इतने ड्यूरेबल नहीं लगे। तो थोड़े ड्यूरेबल थे वो थोड़े ज़्यादा प्राइसी थे, जिसकी वजह से फिर मैंने वो नहीं लिए। फिर फ्लिपकार्ट से कुछ हेलमेट देखे, उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा सा हेलमेट मिला। तो मुझे ये हेलमेट मिला बहुत रिसर्च करने के बाद, जो कि स्ट्रॉस का है। इसका MRP अगर मैं बताऊँ तो 2000 रुपये दिखता है, बट आपको उतने रुपए नहीं देने पड़ते, 1000 के नीचे ही मिल जाएगा। अगर आप ऑफ़र वगैरह में देखते हो तो उससे भी नीचे मिल जाएगा। तो ये रहा वो हेलमेट, रेड कलर का है। इसमें आपको हेड एडजस्टमेंट के लिए भी मिल जाता है, इससे आप अपने हेड शेप के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। और एक छोटा सा वाइज़र भी मिलता है जो कि डिटैचेबल है, इसको आप निकाल भी सकते हो। तो इसका प्राइस मुझे नियर अबाउट 700-800 के अराउंड मिले, बट आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऑफ़र में देखते हो तो आपको उससे कम में भी मिल जाएगा। तो यार साइकिलिंग के टाइम और भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है ग्रिप। अगर आपका हाथ निकला साइकिल से तो गिरोगे, वो तो तय है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अच्छे हेलमेट के साथ अच्छे ग्लव्स में भी इन्वेस्ट करो। जो ग्लव्स मैंने डीकैथलॉन में देखे थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इतने ड्यूरेबल नहीं लगे मुझे, तो उसी की वजह से मैंने ये निविया के ग्लव्स मंगाए। तो ये पाम के कुशनिंग है वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको एक अच्छी ग्रिप मिलेगी साइकिलिंग के टाइम, और थोड़े ड्यूरेबल भी है, ब्रीदेबल भी है। तो उसी वजह से फिर मैंने इन्हीं ग्लव्स को लेने का सोचा हेलमेट के साथ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके गाइस, तो अभी बात करते हैं मुद्दे की कि एक्चुअल में साइकिल मुझे कितने में आई। तो एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सेसरीज मेरी साइकिल मुझे आई $225 की। अभी आप लोग जाके कैलकुलेट करो कि इंडियन रुपीस में वो कितनी आएगी। बट आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जो भी डाउट्स है मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। एंड विद दैट सेड, ऑलवेज स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज। जय हिंद, जय जगन्नाथ।